एक्ने, पिंपल्स या कील मुहासे युवाओं की सबसे बड़ी परेशानी है। ये हार्मोनल एक्सचेंज के कारण होती है, लेकिन कई बार ऐसे पिंपल्स होते हैं जो इन्फेक्शन का रूप ले लेते हैं। लेकिन आपको पता है ये होता क्यों है? ये सिर्फ हमारे खान पान की गड़बड़ी की वजह से होता है। जो तुम आड़ का बाड़ खाते हो ना, ये सब चीजें, एक तो पहली बात तो बंद कर दो, हरी साग सब्जियों का सेवन करो, फल फ्रूट ज्यादा खाओ। लेकिन मैं आज ऐसा नुस्खा बता रहा हूँ आपको, जो एक बार आप इस्तेमाल करेंगे तो 40 से 50% एक ही दिन में आपको दिखाई देगा। इसके लिए आपको लेना है आधी चम्मच शहद, उसमें एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी दालचीनी पाउडर और 3 से 4 पत्ते पुदीने के। अब इसको अच्छी तरह से रगड़ा मार दो, इसमें चटनी सी बना दो और जहां जहां पिंपल है वहां वहां लगा लो रात को। पहले अच्छी तरह से वॉश करो, एक अलग टॉवल लो चेहरे के लिए, अच्छी तरह से वॉश करके उसको पोंछ कर, और फिर वो जहां पर पिंपल है वहां पर लगाओ और 15 से 20 मिनट बाद धो दो, फिर आप असर देखें। अगर पिंपल्स आपके ऐसे हैं जिसमें पस पड़ी हुई है तो दालचीनी इसमें ना मिलाएं और फिर पूरी रात आप रख सकते हैं और फिर एक ही बार में रिजल्ट देखें, 101% आपको दिखाई देगा। अगर आप अपना लीवर स्वस्थ रखेंगे तो ही आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसके लिए बस थोड़ा सा आपको जीभ पे कंट्रोल करना है। एक तो बाहर की चीज बिल्कुल मत खाओ, तली भुनी ये बिल्कुल बंद कर दो। हरी साग सब्जी का सेवन शुरू कर दो, फल फ्रूट ज्यादा लो, लिक्विड ज्यादा लो, लिक्विड डाइट ज्यादा लो। बट जो शुगर पेशेंट है वो ध्यान रखे अपना, सबसे पहले लीवर ठीक करें। अगर लीवर डिसऑर्डर है, लीवर में कुछ भी दिक्कत है तो सबसे पहले लीवर ठीक करें, तब आपका शुगर कंट्रोल होगा। कई बार ज्यादा एंटीबायोटिक या पेन किलर ज्यादा लेने से भी लीवर पर असर पड़ता है। तो मैं एक देसी नुस्खा आपको बता रहा हूं जिसको आप यूज करके लीवर की कुछ भी परेशानी हो, फैटी लीवर हो, लीवर डिसऑर्डर हो, लीवर सही से काम ना कर रहा हो, पाचन क्रिया ठीक ना हो, तो इसके लिए आपको लेना है 50 ग्राम गिलोय, 50 ग्राम भूमि आंवला, एक आंवला होता है एक भूमि आंवला, 50 ग्राम पुनर्नवा और 50 ग्राम मकोए। ये सारी चीजें मिक्स करके अच्छी तरह से पाउडर बना लें और एक एक चम्मच सुबह शाम खाना खाने से पहले लेना है नॉर्मल पानी के साथ। और इसके साथ में एक कुमारी आसव बैद्यनाथ का आता है, 3-3 ढक्कन सुबह शाम, सुबह नाश्ते के बाद, आपको खाना खाने के बाद, बराबर पानी में। सर्वाइकल यानी कि हमारी गर्दन या कंधे में अकड़ाहटपन महसूस होना, सिर में दर्द बन जाना, चक्कर आ जाना या वोमिटिंग सी होना, जीसा मिचलाना, ये लक्षण सारे सर्वाइकल के हैं। तो सबसे पहले आपको सिकाई करनी है, या तो आप ठंडी सिकाई कर लें या फिर गर्म सिकाई कर लें। ठंडी सिकाई बर्फ से करनी है, किसी कपड़े में बर्फ को लपेट कर अच्छी तरह से सिकाई करनी है। और गर्म सिकाई करनी है तो 1 गिलास पानी में 1/4 चम्मच का हिस्सा नमक डालकर उसको उबाल के गुनगुना करके उसकी सिकाई करनी है। दूसरी बात, आपको मसाज करनी है, 3 से 4 लहसुन लेकर 2 चम्मच देसी घी में गर्म करके उसकी मसाज करनी है। अब आपको मैं खाने वाली औषधि बताता हूँ। 2 लहसुन की जौं, 1 से 1.5 इंच या 2 इंच का टुकड़ा अदरक का और 1 से 2 इंच का टुकड़ा हल्दी का, हल्दी साबुत, और 1/4 चम्मच अजवाइन। अब इसको अच्छी तरह से कूट के 1 कप पानी के अंदर डाल के इतना उबाले कि आधा कप रह जाए और छान कर, ये एक बार की दवाई है, छान कर सुबह खाली पेट पीना है और ऐसी ही शाम को खाना खाने से पहले कोशिश करें 1 घंटे बाद कुछ खाए पिए तो ज्यादा उचित रहे। अगर आपका फेस ज्यादा ऑयली रहता है तो सबसे पहले तो आप अपना चेहरा नॉर्मल पानी के साथ वॉश करें दिन में 2 से 3 बार। और अगर कोई आप फेस वॉश यूज करते हैं तो प्लीज हर्बल फेस वॉश यूज करें, और जो मैं आज आपको बता रहा हूँ उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। रात को सोते समय अच्छी तरह से नॉर्मल पानी के साथ फेस को वॉश करें और उसको सुखाकर आपको लेनी है मुल्तानी मिट्टी थोड़ी सी मात्रा में, उसके अंदर 1 चम्मच दही मिलानी है आपको और आधा कटा हुआ नींबू उसके अंदर मिलाना है, और फिर वो पेस्ट बनाकर अपने पूरे फेस पर आप लगा लें। जब वो सूख जाए तो ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से उसको वॉश कर लें। ये हफ्ते में 2 से 3 दिन आप करें और रिजल्ट पहली बारी में आपको दिख जाएगा। इससे आपका चेहरा बिल्कुल निखर जाएगा, निखार भी आएगा, थोड़ी सुंदरता बढ़ेगी, थोड़ी रौनक आएगी चेहरे पे, कर लें तो ज्यादा बेहतर। लगातार अगर किसी को सांस की परेशानी होती है तो वो अस्थमा बदलने के लिए देर नहीं लगाती। हालांकि पहले मैं भी एक नुस्खा बता चुका हूँ आपको, अरंड के पत्तों का और पीपली का, कई लोग वो बना नहीं पाते, कोई बात नहीं, मैं आपको बनी बनाई औषधि आज बता देता हूँ, सीधी स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। तो आपको इसके लिए लेना है बैद्यनाथ का कनकासव, दूसरा बैद्यनाथ का द्राक्षारिष्ट, और तीसरा है श्वास कुठार रस, ये भी बैद्यनाथ की टैबलेट आती है बटी बनी बनाई। सुबह नाश्ते के बाद 2 ढक्कन कनकासव, 2 ढक्कन द्राक्षारिष्ट, ये 4 ढक्कन हो गए, 4 ही ढक्कन इसमें पानी मिलाएं, उसके बाद इसको ले लें, और 1 टैबलेट श्वास कुठार रस ऐसी रात को खाना खाने के बाद। अगर आपको इस तरह की समस्या है, सांस की, दमे की, अस्थमा की, या सांस लेने में प्रॉब्लम है, या खांसी बहुत समय से बनती जा रही है, आप टेस्ट करा रहे हैं लेकिन कुछ नहीं आता, तो इस्तेमाल करें आप, कुछ ही समय में ठीक हो जाएंगे। अगर लंबी समस्या है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, जड़ से खत्म हो जाएगी।